हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिनको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द साइड्स एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट देखिए साइड्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होंगी, थ्री साइड्स इक्वल। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ये साइड ए सी के इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी कि ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो तीनों साइड क्या होंगी, ये आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड होता है आइसोसेलस। वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, टू साइड्स इक्वल, जैसे ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो इसमें ये दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए क्या है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल। नेक्स्ट स्केलिन ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट, इसमें तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं ट्रायंगल वो भी तीन होते हैं। फर्स्ट राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। सेकंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें एक एंगल जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स, मुझे नाम बताने हैं ट्रायंगल्स के। पहला बोल रहा है कि अ ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी जो साइड से 7, 8 और 9 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट। एक साइड दे रखिए 7 सेंटीमीटर, एक दे रखिए 8 सेंटीमीटर और लास्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइड दे रखे हैं, तो अब मैं ट्रायंगल को साइड्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर यहाँ पर एंगल दिए होते तो ट्रायंगल को मैं एंगल के अकॉर्डिंग बताता। ठीक है, तो यह आएगा स्केलिन ट्रायंगल।
ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट है तो हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। बी पार्ट देखते हैं इसका, एक ट्रायंगल एबीसी विद ए बी 8.7, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6। तो यहाँ पर भी क्या है, तीनों साइड डिफरेंट हैं, डिफरेंट लेंथ की है ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल सी पार्ट, ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट तीनों साइड देखो इक्वल है। पी क्यू आर में क्या है, तीनों साइड इक्वल है। यहाँ पर ट्रायंगल इस तरह से पी क्यू आर, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड इक्वल होती है ट्रायंगल को, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं डी, ट्रायंगल डी एफ विद मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का दिया गया है, डी ई एफ और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ई पार्ट, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई 90 है और एक्स वाई इक्वल है वाई जेड के, ये 90 ये इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो साइड इक्वल और एक 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एफ देखते हैं, ट्रायंगल एलएमएन विद मेजर ऑफ एंगल एल 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एम 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल एन 80 डिग्री। इस बार तीनों हमें एंगल दिए गए, ठीक है। जब भी ट्रायंगल में तीनों एंगल दिए गए होंगे तो हम फिर एंगल के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्लासीफाई जो करेंगे ट्रायंगल को एंगल्स के अकॉर्डिंग। तीन एंगल हैं और तीनों ही वैल्यू 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से, ये भी 90 से, तो इसका मतलब ये कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रहा है मेजर ऑफ द, ये मैच करना है मुझे, ठीक है। एक साइड तो इसका मेजर दिया गया है ऑफ ट्रायंगल और दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो मतलब एक साइड साइड्स की जो लेंथ है वो दी गई है कि वो तीनों साइड इक्वल है, तीनों दो साइड इक्वल है, ठीक है, या तीनों डिफरेंट है। दूसरी तरफ उनके नेम दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर एंगल्स, तीनों एंगल एक्यूट दिया गया, एक राइट दिया गया और एक ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो मुझे ये क्लासीफाई करने हैं, जैसे फर्स्ट है थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अच्छा वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो उसको तो हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका मतलब, इसका आंसर कितना होगा, ही इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो तो उसको तो आइसोसेलेस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस, यानी कि जी।
ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी क्या पूछा है कि सारी साइड जो है डिफरेंट लेंथ की हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल, ए पर, यानी कि ऑप्शन ए। थ्री एक्यूट एंगल, यानी तीनों एंगल 90 से कम है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा एफ। नेक्स्ट वन राइट एंगल, एक राइट एंगल हो अगर, तो अगर राइट एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि डी। नेक्स्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे उसको, अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल है और यहां पर दिया गया है सी। लास्ट दिया गया है वन राइट एंगल, एक तो राइट एंगल है विद टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, और उसकी दो साइड इक्वल हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल है, राइट एंगल इसलिए राइट एंगल, तो आइसोसेलेस राइट एंगल, यानी कि बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज, ये ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इनको दो डिफरेंट वे में बताने हैं, मतलब कि अगर वो एंगल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो हमें एंगल के अकॉर्डिंग बताना है, साइड्स के अकॉर्डिंग दिए हैं तो साइड्स के अकॉर्डिंग बताने हैं, ठीक है, दोनों मिक्स करके दिए गए हैं, दोनों को मिक्स करके बताना है। जैसे यहाँ पर एंगल भी है और साइड्स भी हैं, तो यानी कि हमें एंगल और साइड दोनों के अकॉर्डिंग बताने हैं। तो पहला दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है, फर्स्ट ट्रायंगल में साइड दी गई है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये अलग है, और हमें पता कैसे लगा कि ये वाला इसके इक्वल है, तो यहाँ पर जो है दो लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है, सेम टू लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, तो एंगल को हम अगर इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उसको इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल हैं, ये 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर दो साइड इक्वल हैं और दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो ये जो कहलाएगा आइसोसेलेस हो गया, और क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्यूट होगा, दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एंगल ट्रायंगल एक्यूट, यानी कि सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री से कम हैं, तो हम बोलेंगे इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड आइसोसेलेस, ठीक है, एक्यूट भी है और आइसोसेलेस भी, बी देखते हैं इसका। 8, 15, 17 साइड तीनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो सिंबल होता है ना, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री को बताता है, तो ये राइट एंगल भी है और स्केलिन भी है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं इसका, यहाँ पर केवल दो साइड दी गई है, ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है ना, ये ग्रेटर देन 90 है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा यानी कि ऑब्ट्यूज, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल एंड, और यहाँ पर दोनों साइड इक्वल दी गई हैं, तो इसका मतलब आइसोसेलेस, डी पार्ट देखते हैं इसका, ये 90 दिए गए हैं और दो साइड इक्वल दी गई हैं 10-10 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और साथ में आइसोसेलेस,
राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका ई पार्ट देखते हैं। ये ट्रायंगल दिया गया है, तीन साइड इक्वल दी गई है, तीन साइड इक्वल हैं, और जब तीन साइड इक्वल होते हैं वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है, यानी कि उसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, तो इसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं, तीनों साइड डिफरेंट हैं लेकिन एक एंगल जो है 90 से बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड स्केलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक, सम आर शोन हियर, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विद। मैच स्टिक का यूज करके हमें कुछ शेप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है, ट्रायंगल बनाने हैं। कुछ दिया गया है इस तरह से, तो देखते हैं। थ्री मैच स्टिक मुझे यूज करनी है, ठीक है, हमें थ्री मैच स्टिक यूज करनी है। फर्स्ट ए में तो एक इस तरह से हो जाएगी, दूसरी मैच स्टिक ये होगी और तीसरी इस तरह से, ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब क्योंकि तीनों मैच स्टिक का जो लेंथ है वो सेम है, तो ये आइसोसेलस होगा, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। इसमें बोला नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस, तो देखो ये तो बन जाएगा एक्यूट, एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि सभी जो है ना 90 से कम है इसमें, ठीक है। बी फोर मैच स्टिक यूज करके मुझे, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है, तो फोर से तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर मुझे फोर मैच स्टिक यूज करनी है एक इस तरह से, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक ऐसे यूज़ कर दूं, ठीक है, तो एक फिर हमारे पास मैच स्टिक बच जाएगी, लेकिन हमें चारों ही यूज़ करनी है तो हम उसको केवल ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, चार मैच स्टिक, ठीक है। तो इससे तो जो केवल फिगर बन रही है वो स्क्वायर बन रही है, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन सकता यहाँ पर, कैन नॉट मेक ट्रायंगल। सी देखते हैं, फाइव मैच स्टिक यूज करनी है अब आपको, ठीक है। तो फाइव तो हम दो तरह से शेप बना सकते हैं ट्रायंगल की, फोर ऐसे यूज करी और फाइव जो फिफ्थ है वो हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और एक इधर का, दो ट्रायंगल होंगे। या फिर हम एक शेप ऐसे बना सकते हैं, दो ऐसे यूज़ करी, फिर अगेन दो ऐसे यूज़ करी और फिर एक ऐसे यूज़ कर ली, ठीक है। तो इस तरह से हम शेप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कितना यूज़ किया है, फाइव मैच स्टिक, और दोनों क्या है, ये एक्यूट एंगल है,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, सिक्स मैचेस्टिक यूज़ करनी है मुझे। तो हम इसमें एक मैचेस्टिक को इस तरह से यूज़ करें, फिर अगेन दूसरी ऐसे इधर, वन एंड टू, और फिर दो मैचेस्टिक को हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिक्स यूज़ कर रहे हैं, ऊपर वाले में हमने फाइव करी है, ठीक है, और यहाँ पर एक सिंगल, नीचे वाले में हमने सिक्स करी है और यहाँ पर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल है ये छोटा एंगल है और ये क्या है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, एंगल बड़ा कर दिया गया, इसी वजह से क्या हो गया यहाँ पर दो मैचेस्टिक हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है ये भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पर सिक्स मैचेस्टिक का यूज़ करके ट्रायंगल बनाना पॉसिबल, क्योंकि देखो दो साइड्स का जो सम है ना वो थर्ड साइड से ग्रेटर है सभी में ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल फॉर्म हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू।